पांचपावली पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस कार्रवाई के दौरान दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अब्दुल यकीम और शेख नईम आरोपी के नाम बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों से पुलिस ने MD, घातक शस्त्र ऐसी कुल मिलाकर 2,29,200 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर NDPS और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त गजानन राजमारे द्वारा दी गई है। पांचपावली थाना अंतर्गत पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें अब्दुल यकीम और शेख नईम दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। दोनों आरोपियों की जांच करने पर MD पाउडर, एक लोहे की पिस्टल, अलग अलग कंपनियों के दो मोबाइल फोन, दो पहिया वाहन क्रमांक MH40BP6794, ऐसा कुल मिलाकर 2,22,900 रुपयों का मुद्देमाल पुलिस ने जब्त किया है। अब्दुल यकीम नावाचा एक आरोपी आहे आणि शेख नईम यांच्याकडे MD सापडलेले आहे, त्याच्यावर NDPS नुसार कारवाई केलेली आहे। हाऊस सर्च घेतल्यानुसार त्यांच्याकडे एक वेपनही सापडलेला आहे, लोखंडी वेपन आहे, बरोबर लाईव्ह 5 राऊंड्स पण सापडलेले आहेत आणि इतरही काही घातक हत्यारे त्यांच्याकडे सापडलेले आहेत। त्याच्यावर दोघांच्यावर कारवाई केलेली आहे। जवळजवळ 2,29,200 रुपयाचा मुद्देमाल एकूण जप्त केलेला आहे। यामध्ये काही व्हेकल्स पण आहेत, मोबाईल्स पण आहेत आणि यांच्यावर NDPS आणि भारतीय हत्यार कायद्यानुसार कारवाई केलेली आहे। अजूनपर्यंत रेकॉर्डवर काय सापडलेलं नाही त्यांच्या, पण गोपनीय माहिती अशी मिळत आहे की जुना एक आरोपी आहे की आपल्या पाचपावली पोलीस स्टेशनवर गुन्हा एक दाखल आहे 302 आणि बाहेर पण सदर ठिकाणी पण दाखल आहे। या कारवाई पांचपावली पुलिस की डिटेक्शन टीम द्वारा की गई है। दोनों आरोपियों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, जिसमें एक आरोपी पर पांचपावली पुलिस थाने में 302 का मामला दर्ज है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। ऐसी जानकारी जोन क्रमांक 3 के पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख BCN न्यूज नागपुर।